आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। केंद्र सरकार के द्वारा कल बिहार के कुछ ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया जिसके वो काबिल थे, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने के बाद की खुशी क्या होती है उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। किसी को SBI के ऑफिसर में के पद पर नौकरी मिली, तो किसी को एम्स में नौकरी मिली, कोई SSB में इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया, तो तमाम ऐसे लोगों को कल नियुक्ति पत्र दिए गए। और हम आपको दिखाते हैं कि नियुक्ति पत्र पाने के बाद इनके चेहरों की खुशी जो थी वो देखने के ही काबिल थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुँचे हैं मेहनत से, अपने पेरेंट्स की सबकी वजह से। मेरा चयन एम्स पटना में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए हुआ है। मैं मतलब जॉब के ड्यूरिंग ही मैंने प्रिपरेशन किया था, तो एक साल का समय लगा। पूजा कुमारी नाम है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरा सिलेक्शन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट ग्रेड 3 में हुआ है और मुझे पटना रीजन एलोकेट हुआ है, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और रोज़गार मेला में बुलाया गया है इसके लिए और मैं उत्साहित हूँ। मेरा नाम श्वेता आर्या है और मेरा AG3 रिपोर्ट के तहत या फूड कॉरपोरेशन में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रोज़गार मेला में मुझे बुलाया गया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। श्वेता आर्या। मेरा नाम अदिति है और शब्दों में तो मैं शायद ही बयां कर पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूं और मैं मोदी जी और अपने पेरेंट्स और भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज ये अवसर मिला। और मैं 3 साल से मैं प्रिपेयर कर रही थी, बट इस बार का जो रोज़गार मेला है उसके तहत मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये मेरा सपना जाके एक एम्प्लॉयड होने का वो पूरा हुआ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, इतने मेहनत पे कुछ मिला है तो बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा है। शिवानी कुमार। ये अवसर किसी की भी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम खुद के पैरों पे खड़े होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, ये सबकी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती क्षण होता है। उसके लिए सरकार का और सबका सारे लोगों का धन्यवाद दिल से। सर मेरा नाम अंजलि है और मैं मोदी जी की आभारी हूँ कि उन्होंने सपनों को आकार दिया और उनके इस रोज़गार मुहिम के तहत मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठन में काम करने का मौका मिला, इसके लिए तहे दिल से अभिनंदन। थैंक यू। सर सोच तो बचपन से ही था, लेकिन तैयारी अभी 1.5-2 साल से कर रहे थे। आपने देखा तमाम ऐसे बच्चे जिनको नियुक्ति पत्र मिला और ये रोजगार मेला जो कल पटना में लगाया गया था उसके माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटा गया। अब देखना यह है कि जो केंद्र सरकार नौकरी देने का वादा किया था 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दे पाती है। इस सारी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब बने रहिए।